जे भी सी आई भी में ये दो टाइप के जो इनके फ्लैगशिप कोर्सेज हैं, जे आई भी प्रिलिमिनरी है और सी आई भी एडवांस कोर्स है का। तो जब तक अब पहले आपको जे आई भी क्लियर करना पड़ेगा फिर सी आई भी। सी आई भी में चार उनके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स रहते हैं और एक इलेक्टिव होता है। एक ने सी आई भी कर लिया तो उसको जो है दो इंक्रीमेंट ऐड हो गए, क्लर्कल लेवल पर किया तो उसको तीन इंक्रीमेंट ऐड हो गए। तो आपका जो मॉनिटरी लेवल भी जो उसका भी बेसिक भी आपको 20,000-21,000 हो जाएगा और आपका जो 18,000 पे ही आप चलेंगे। सो एक और एक चीज सर, मतलब मैं आपकी पर्सनल करियर में जाना चाहता हूँ। जैसे 37 ईयर का आपका एक्सपीरियंस रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, तो आपने कब इस एग्जाम को अप्रोच किया था, लाइक ज्वाइन करते ही या फिर कुछ समय के बाद? नहीं यही मैं बता, आजकल क्या है ऑनलाइन होने से और जो बहुत ज्यादा लोगों में वो है जागरूकता कि जो मतलब दे आर टू नो कि मतलब जे आई वी क्या है, सी आई वी क्या है, इतने सारे कोचिंग। हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था, आई ज्वाइन इन 76 और 76 में उस टाइम ये ऑनलाइन वगैरह कुछ था ही नहीं, एवरीथिंग वॉज मैनुअल। तो जब बैंक में ज्वाइन किया एक साल निकल गया, अपना प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद फिर लोगों से डिस्कशन किया तो जो और सीनियर थे किसी ने बताया कि भाई जो है आप जे आई बी सी आई बी करो। तो फिर पूछा भाई होता क्या चीज है ये जे आई बी सी आई बी और क्यों करें। तो फिर वो उन्होंने बताया कि भाई आपको इससे जो है मतलब जे आई बी सी आई बी करने से इंक्रीमेंट मतलब यानी प्रोफेशनली ग्रेन जो हमने बताया कि मतलब क्या वैल्यू एडिशन होता है उसके क्वालिफिकेशन के थ्रू, वो चीज नहीं बताया। बस उन्होंने ये कि आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा और उस हिसाब से तो चलो भाई ठीक है, उस टाइम इंक्रीमेंट ही मिलना है अपने को, तो उसके हिसाब से अपने किया। तो जे आई बी सी आई बी तो हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में इमीडिएटली कर लिया। फिर हमको सी आई बी करने की बात आई तो सी आई बी में ऑब्वियसली मुझे 4 साल लग गए क्योंकि ऑडिट में थे ट्रांसफर, मतलब हमको कई कई जगह घूमने जाना पड़ता था ऑडिट में, मध्य प्रदेश राजस्थान ये सब हमको जाना पड़ता था। तो उसमें टाइम कम मिलता था तो कई बार या एग्जामिनेशन का है हम हर टूर पर रहे तो हम नहीं, तो लेकिन 4 साल के बाद जाके हमको पाए उसमें हमको 4 साल का इंक्रीमेंट का लॉस हुआ। हम जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जे आई बी कर लिए थे और अगर हम इमीडिएटली 6 महीने के बाद जो है अपने अगले 6 महीने में कर लेते तो वो जो जे आई बी तो अब चूंकि उस टाइम मालूम था ही नहीं कि पढ़ा, फिर जब उसको पढ़ा किया तो मालूम पड़ा कि जो है से हमको कई चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि क्या चीज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में मालूम पड़ा, इकोनॉमी के बारे में मालूम पड़ा, तो कई कई कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो ये सब बेनिफिट हुए हैंगे बाद में जो ऑब्वियसली ग्रेजुअली इन लॉन्ग रन वो काम में है। यस सर, एक और चीज, जैसे आपने बोला कि 1967 के अराउंड आपने जी आई बी का एग्जाम क्लियर किया, 76 में मैंने बैंक ज्वाइन किया था, 79 में किया है, 79 में आपने जी आई बी का एग्जाम क्लियर किया एंड आज का भी सिलेबस आपने देखा, तो आपको क्या लगता है कि आई आई बी एफ के द्वारा ये जो चेंजेस किए गए हैं ये एज पर इकोनॉमी है? यस ये जो अभी सिलेबस चेंज है और हमारे टाइम में जो सिलेबस था उस टाइम तो पूरा मैनुअल था पहली चीज, और वो बेसिक्स सिलेबस थे तो उस टाइम की जरूरत के हिसाब से जहां पर हम डबल बुक कीपिंग करते थे, कैश बुक मैनुअली लिखते थे, लेजर्स करते, बैलेंसिंग वगैरह सब मैनुअली करते थे, वो सारी चीज बैंक पूरी तरह से मैनुअल बेसिस पर थी। आज के दायरे में बैंक पूरी डिजिटाइज हो गई है, कंप्यूटराइज हो गई है, है ना। तो अब जो चेंज किया है ये जरूरी भी था क्योंकि उन्होंने आईटी, अब आजकल साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इन दुनिया भर के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ईज नॉर्म्स अपने को फुलफिल करने पड़े जिसके अंदर भी जो है डिजिटल का जो है अब जोर ज्यादा आएगा। तो उसको इन सब चीज को देखते हैं जो अभी इन्होंने जो चेंजेस लाएंगे इसके अंदर, अब जैसे कि इसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग ये जो लाए हैं, फिर वेल्थ मैनेजमेंट, अब बैंकों में इंश्योरेंस म्यूचुअल प्रोडक्ट ये सब सारी चीज हो गई, डीमैट अकाउंट खोलने लग गएंगे, शेयर ट्रेडिंग हो रही है कि आईपीओ पे जा रहे हैं, तो इन सब के लिए मर्चेंट बैंकिंग वगैरह के बारे में जानकारी, ये सब चीज हम लोग टाइम में नहीं थी। तो ये सब में लुकिंग टू प्रेजेंट डे जो सिचुएशन है आज की तारीख में उसके हिसाब से ये सही है कि इनको जो चेंज करना था और बहुत सही चेंज किया है इन्होंने चेंज करके।
यस यस सर। सो बेसिकली कि अगर जो भी कैंडिडेट इन सर्टिफिकेट को आपका लेते हैं तो वो एक फ्यूचर रेडी हो जाते हैं कि हाँ जो चेंजेस हैं बैंकिंग और इकोनॉमी के अंदर उनके हिसाब से आप कंटेंट पढ़ रहे हैं और उनको आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपनी डे टू डे फंक्शनिंग के अंदर, राइट सर। यस सर। सो सर अभी तक हमने बात किया बेसिकली जो बैंकर्स हैं जो ऑलरेडी बैंक में हैं, कुछ कैंडिडेट जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हैं, तो कुछ बच्चे जो होते हैं जो करियर बनाना चाहते हैं बैंकिंग के सेगमेंट में, अभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी वो प्रिपरेशन एज में है बेसिकली, तो DBF डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे जिससे मतलब उन कैंडिडेट को भी थोड़ा सा आइडिया लगे कि हाँ कि अगर वो अभी से करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जय भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कई स्टूडेंट से पूछा तो हमने उन्हें कहा नहीं डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, इट इज ओनली डीबीएफ जो कि अपन कर सकते हैं। तो क्या है कि डीबीएफ जो आपका आएगा डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये आईबीए के द्वारा सर्टिफाइड एक जो प्री एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन है बैंकिंग के लिए। जैसे आप बैंक के लिए अप्लाई करते हैं तो कहते हैं ना कि आपको 12th पास होना चाहिए, ये आपको जो है BA MA होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, यस उस यस ये डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस को भी एक एंट्री लेवल पर ये आपको किया है। तो यस ये जो है डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो कि बैंक में नहीं है, यस सर नॉन पर्सन है, जो कि नॉन मेंबर्स होंगे वो कर यस सकते हैं। यस सर। सो बेसिकली जरूरी है कि दे शुड पास 12th पास होना जरूरी है। और डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में जो है इसके अंदर सेम सब्जेक्ट्स हैं जो आपके जेआईवी के हैं, सेआईवी के नहीं, जेआईवी, वही यस चार सब्जेक्ट्स हैं जो जेआईवी के हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है इसके अंदर कि इससे क्या बेनिफिट है कि जो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे डीबीएफ में उनका नाम आईआईबीएफ अपनी वेबसाइट पर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का डाल देती है, एंड इट इज शेयरिंग विद आरबीआई, पीएसबी, प्राइवेट बैंक्स और दूसरे जो फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं उनके जो कि आईआईबीएफ के मेंबर्स हैं उनके साथ वो शेयर कर देते हैं। क्यों शेयर करते हैं? ताकि वो उसको देख के, ये अगर उनको डायरेक्ट सिलेक्शन करना है तो उस लिस्ट में से चूज करके वो लोग उनको, और दे कैन गो फॉर द सिलेक्शन। ओके जेआईबी करने वाला व्यक्ति बैंक ज्वाइन करने के बाद 1 साल बाद करेगा, डीबीएफ करने वाला व्यक्ति जैसे ही वो ज्वाइन करेगा तो ही इज एट पार विद द जेआईबी पर्सन, यस सर वो सीधे जेआईबी दे सकता है। जबकि आपके साथ का दूसरा व्यक्ति जो आएगा वो आपको पहले जेआईबी करना पड़ेगा फिर सीआईबी देगा, यस सर नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो है डीबीएफ का कोर्स कर लिया हैगा तो ही इज हैविंग दैट बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बैंकिंग की नॉलेज हैगी, जो फाइनेंशियल सेक्टर से जो बेसिक नॉलेज है, इकोनॉमी से रिलेटेड रहेगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो उनको चाहिए, तो रेडी टू लॉन्च। यस आपने क्या, तो अभी एक आदमी वो है जो कि अपने बिना डीबीएफ किए बैंक में आ गया, अब जब वो जेआईबी करेगा सीआईबी करेगा तब की बात होती है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, बैंक के सिस्टम प्रोसीजर, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, अकाउंटिंग के बारे में बताना पड़ेगा, कैशबुक क्या आएगा, लेजर क्या है, जनरली ये सब बताना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो इनिशियल ट्रेनिंग 1 महीने 2 महीने की होती है, फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। जब ये डीबीएफ करके बच्चा आता है डायरेक्टली तो वो ही इज रेडी। यस सर एक तो टैलेंट है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम है, ही इज रेडी टू लॉन्च डायरेक्टली ऑन द मिनिमम ट्रेनिंग। 1 हफ्ते की भी ट्रेनिंग दे दी उसको तो उससे जो काम चल जाएगा, सीधा ऑन द जॉब काउंटर बैठ के अपने काम शुरू कर काम दो। यस यस सो ये ये हाँ कई बार सर जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं, तो इंटरव्यू के दौरान जो कैंडिडेट्स आपको मिलते हैं जो जेआईबी क्लियर हैं डीवीएफ क्लियर है बेसिकली, तो उनको भी थोड़ा वहां पे वेटेज मिलता है अगर वो इस चीज को प्रेजेंट करते हैं तो, किसी भी वो SBI का इंटरव्यू ऑब्वियसली या फिर आईबी देखिए में। वो कहीं भी होंगे पीओ में जब जाएंगे, एंड इफ दे आर, लेकिन क्या है कि वो डीबीएफ करके जाएंगे तो बेटे है यस सर ना एज ए फ्रेशर। और अगर ये जेआईबी सेआईबी किया है, ये चीज अब आएगी जब वो बैंक प्रमोशन के बैंक के लिए अंदर अप्लाई, भी यस सर ओके जैसे क्लर्क से ऑफिसर जाना है या ऑफिसर वहां जाना है, तो वहां पर तो मेन चीज है। और जब आपका उनके पास रेज्यूमे जाता है
उसके अंदर मेंशन भी रहता है कि जय विसाई भी, तो दे डेफिनेटली आस्क आर यस यू आई बी आर यू जे आई बी, आपने कब किया, उसके बारे में डिस्कशन करते, कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं उस हिसाब से, दैट लाइक। यस सर, यस सर। सो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे सर। एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मतलब इन सर्टिफिकेशंस के ऊपर आपका क्या मैसेज रहेगा जो भी फ्यूचर बैंकर्स हैं या जो अभी हाल ही में बैंकिंग सिस्टम ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो प्लान कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं बैंकिंग हाँ इंस्टीट्यूशंस की। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है इसके लिए कि उन लोगों को मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो आप उसको कर लें, जेआईबी सीआईबी को है, और अगर डीबीएफ कर लें बिफोर ज्वाइनिंग तो सब लिया, कुछ बात नहीं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं, जेआईबी सीआईबी करना है तो उन करना है। बेसिकली आपको मॉनिटरी गेन तो है ही थ्रू आउट द पीरियड है, फिर आपको कहीं चेंज करना है, फाइनेंशियल सेक्टर में ही आपको अपना रखना है, लेकिन किसी दूसरी सिस्टम में जाना है आपको, किसी दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर में जाना है, कैपिटल मार्केट जाना है, या कहीं भी जाना है, या इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है, कहीं भी जाना है आपको, तो आप जब जेआईबी सीआईबी किए रहेंगे तो आपको एडिट एडवांटेज मिलेगा। यस तो ये सब जानते हैं कि भाई आपने इसको किया हुआ है तो यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग आता। ऐसा नहीं कि हम कोई आदमी इंटरव्यू के लिए आया, उसे पूछा ये ड्राफ्ट क्या होता है, ये चेक क्या होता है, दोनों डिफरेंस क्या है, वो बता ही नहीं पा रहा है। तो ये सब चीजें मालूम है उसको, क्लियरिंग यस क्लियरिंग हाउस क्या होता है, तो ये सब चीजें मालूम रहेगी, तो एडिट एडवांटेजेस उसके अंदर रहते जाएंगे। यस यस ये सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इट वॉज अ ग्रेट सेशन। आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आई होप कि बहुत सारे कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनकी बहुत सारी क्वेरीज इसके साथ सॉल्व हुई होंगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कॉमेंट्स के अंदर मैंशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब सर से मेरा मीट हो और हम लोग ऐसे सर्टिफिकेशंस को एक्सप्लोर कर रहे हो तो वहां पे आपकी क्वेरीज को हम लोग डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच खरे सर। सो आई विल सी यू अगेन थैंक इन यू मेजी, ऐसे थैंक यू, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम लोग करेंगे। हाँ हाँ यस बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। ओके थैंक यू सर।